हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रो आयुर्वेदा। तो आज हम देखेंगे रामबाण रस की विथ ट्रिक्स टू लर्न, इसे कैसे याद करें। तो इसके चलिए बात करते घटक द्रव्य की। इसमें 6 घटक द्रव्य होते हैं। पहला शुद्ध पारद, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध गंधक, जायफल, लौंग और मरीच। पारद लेना है 1 भाग लेना है, वत्सनाभ 1 भाग, गंधक को 1 भाग लेना है, जायफल आधा भाग और लौंग 1 भाग और मरीच को लेना है 2 भाग। बात करें इसके भावना द्रव्य की, तो इसमें जो भावना देते हैं वह है इमली स्वरस की। इमली रस की भावना देते हैं यथा आवश्यक के अनुसार। बात करें हम इसके ट्रिक्स की, तो इसका ट्रिक कुछ इस प्रकार है। परंतु वत्स काजल लव पर जान से अधिक मरती थी। तो यहाँ पे हो जाएगा वत्स से हो जाएगा शुद्ध वत्सनाभ, काजल से हो जाएगा कजली। कजली यहाँ पे आपको पारद और गंधक दोनों लेना है, पारद और गंधक। लव से हो जाएगा लौंग, जान से जायफल, मरती से मरीच। तो ट्रिक है ये, परंतु वत्स काजल लव पर जान से अधिक मरती थी। तो आपको ये ट्रिक समझ आ गया होगा। अगर हम देखें इसके उपयोग, मात्रा व निर्माण विधि, तो जो निर्माण विधि है उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम पारद और गंधक की कंजली बनाना है। फिर उसमें शेष द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर तांत्रिक फल की भावना देना है। फिर उसकी मर्दन कर सुखा कर सुरक्षित रख लें। बात करें इसके मात्रा की, तो यह है 125 से 250 मिलीग्राम तक इसका यूज़ करते हैं। अनुपान की बात करें तो मधु या टिंडिक फल के रस के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, या इमली का ही दूसरा नाम है। मुख्य उपयोग इसका ग्रहणी, आमवात और अग्निमांड जैसे आदि रोगों में यूज़ किया जाता है।